राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज हम आए हैं गांव बोदीवाड़ा में, और ये जो हमारा गांव बोदीवाड़ा पिता है, इसमें ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे श्री राधा कृष्ण गोदाम जो है वेलफेयर सोसाइटी के नाम से यहां पे जो गौशाला बनी हुई है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि गौशाला का मैनेजमेंट, देखो गौशाला एक हम सोच लेते हैं भी गौशाला जो है भी हर एक कोई बना सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बना सकता। अगर बनाए हर गांव में गौशाला हो तो हमारे जो पशु है, हमारी जो गौ माता है, वो जो है उनको सारी सुविधाएं जो मिल सकती है। तो ऐसा ही हमारे गाँव में जो है ये बहुत बढ़िया गौशाला है, जो आस पास के जितने भी गाँव हैं उनके सहयोग से और हमारे गाँव के सहयोग से जो है ये गौशाला बनाई गई है। तो आप देखोगे कि इसमें कितनी अच्छी तरह से जो मैनेज पशुओं का किया गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आ जाओ सभी भाई और मैं ले चलता हूं आपको गौशाला के अंदर। ये देखो ये गौशाला का मेन गेट है, और इस मेन गेट के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले जो आता है वो है मंदिर। ये है कृष्ण भगवान का मंदिर, और आपको सभी को पता है कि जो कृष्ण भगवान थे उनको गऊ जो है वो गाय जो है बहुत पसंद थी, और वो बचपन में कृष्ण भगवान भी जो है गाय को चराते थे। और ये इस साइड जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो यहाँ पे वर्कर काम करते हैं वो भी रहते हैं, और एक किचन वगैरह ऑफिस सब बने हुए हैं। तो मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। तो आपको मैं पहले दर्शन कराऊंगा सबसे पहले कृष्ण भगवान के। ये जो आप मंदिर देख रहे हो ये कृष्ण भगवान का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है गऊ माता होते हैं जो उनको, मतलब कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय थे। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये गौशाला के अंदर ही सबसे पहले एंटर होते ही जो कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया गया है। आप आ जाओ इसमें, देखो ये गौशाला बहुत बड़ी है, और यहाँ पे जो आप बेंच देख रहे हो यहाँ पे बैठने के लिए धूप में जो वर्कर है या कोई भी गांव के वासी आते हैं, यहाँ पे जो पंडाल लगता है, सत्संग भी होती है यहाँ पे। पूरी जो ये एरिया है यहाँ पे हर साल जो है सत्संग करवाई जाती है कृष्ण भगवान की, तो यहाँ पे जो है लोग आराम से आके बैठ जाते हैं और यहाँ पे सत्संग भी सुनते हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं। सारी सुविधा जो इस गौशाला में है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम गौशाला में खड़े हैं, आपको ऐसा लगेगा कि किसी बड़े आश्रम में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बात करते हैं जो इसको मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे भी वो आगे इसमें मतलब गौशाला में क्या काम करते हैं और कितनी गाय लगभग इसके अंदर हैं। तो ये भाई साहब है, इनसे करेंगे बात। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? पूरन चंद। पूरन चंद। हाँ जी। तो पूरन चंद भाई साहब, आप ये बताओ इस गौशाला में कितनी गाय है? 250। 250 लगभग गाय? हाँ जी। और छोटे बच्चे मिला के सारा कुछ कितने हो गए? 1000 के लगभग तो होंगे? नहीं, 250 के नेड़े तेड़े ही हैं। 250 या 300 के? 300 के। 300 के। तो ये जो आपने अलग रखे हुए हैं यहाँ पे, ये इनका क्या सिस्टम है? छोटे वाले अलग है क्या? ये छोटे वाले बच्चे हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं उनको इस साइड, जो मेरा कैमरामैन भाई अभी आपको दिखा रहा है, छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। और ये इमरजेंसी लिखा हुआ है, इसमें क्या है? इसमें इमरजेंसी मरीज डंगर हैं। अच्छा, जो मतलब डंगरों के चोट आ जाती है या कई बार लग जाती है माड़ी मोटी, तो उनका इलाज जो है इस इमरजेंसी में किया जाता है। हाँ जी। तो यहाँ पे डॉक्टर की सुविधा भी है क्या? हाँ जी। डॉक्टर कौन से यहाँ पे? सरकारी डॉक्टर आते हैं? हाँ जी, अशोक कुमार आते हैं। अच्छा, जो यहाँ में हमारे यहाँ के गांव के ही डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छे हैं, वो पशुओं का बहुत ध्यान रखते हैं अशोक कुमार जी। तो वो यहाँ पे जो अशोक भाई साहब है वो आ जाते हैं यहाँ पे और इन पशुओं का जो है देख रेख अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पशु है दूध देने वाले, कितने पशु होंगे यहाँ पे? 9 गाय हैं। 9 गाय हैं जो बड़ी बढ़िया, जो अच्छी नस्ल की है। अच्छी। और इसमें सभी गाय हैं क्या? जैसे अमरीकी होगी इस, या साहीवाल भी, या कोई नस्ल की भी है? हाँ, साहीवाल भी है, अमरीकन भी है। अच्छा, अमरीकन भी है, भी है, देसी भी है। हाँ जी। तो सभी प्रकार की गाय हैं। आ जाओ भाई साहब, हमें भी दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पशु है, सभी के सभी पशु जो चरने के लिए यहाँ पे आते हैं। दूध वाली गाय आएंगे यहाँ पर। अच्छा, दूध वाली गाय यहाँ पे है। तो देखो दूध वाली गाय जो है यहाँ पे है, इनको चारा ऐसे डाला जाता है। अभी आप देख रहे हो ये तूड़ी है और हरा जो है शाम को यहाँ पे डाला जाता है, क्योंकि हरे की और हरा यहाँ पे कितना आता है चारा? मतलब हरा जाने की कम आता है। कम आता है। हाँ जी। चारे की कमी है। चारे की कमी है। मैं कैमरामैन भाई को बोलूँगा इस साइड हो जाए, तो पूरा जो व्यू है आराम से हमें दिखा देगा। अच्छा, जो यहाँ पे आपने बनाया हुआ है ये, हाँ ये जो ठाण वगैरह बने हुए हैं, हाँ यहाँ पे मतलब जो दूध देने वाले पशु हैं वो यहाँ पे होते हैं? दूध वाले यहाँ होते हैं, बगैर दूध वाले इधर हैं। अच्छा, बगैर दूध वाले इस साइड है। तो बड़े पशु जो है चरना, सारा जो सभी पशु है गौशाला है वो सभी यहीं पे चरते हैं? हाँ नहीं, अलग अलग है, सभी बने हुए हैं अलग अलग है। हाँ, अच्छा, आगे भी है? ये दो गाय आंधी हैं।
अच्छा, ये दो गाय हैं, ये अंधी है, इनको दिखाई नहीं देता? नहीं देता। तो ये कैसे, मतलब क्या इसका क्या कारण हो गया? इसको बस खोलते हैं, ताजे से अपने आप पानी पीती हैं, अच्छा बांध देती हैं, खा लेती हैं। तो भाइयों देखो, कुदरत की बात है, ये जो दो गौ माता है इनको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, ये अंधी गौ माता है, इनको दिखाई नहीं देता, फिर भी इनकी सेवा जो हमारे गाँव के लोग हैं और ये भाई जो है ये इनकी सेवा जो है अच्छे से करते हैं। तो भाई साहब इनको दिक्कत नहीं होती वैसे कोई, इनको दूध देती है क्या? ये दूध नहीं देती है। अच्छा, ये दूध नहीं देती। तो और पानी का व्यवस्था क्या है यहाँ पे? पानी सभी को यहीं पे पिलाया जाता है क्या? सभी की टैंकी बनी, सब वार्डों में अलग अलग बनी हुई है। ये देखो कितनी अच्छी तरह से, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाए, सफाई से यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल भी कचरा नहीं है पशुओं के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था हमारे गाँव बुद्धिवाड़ा पिथा में जो है पशुओं के पानी के लिए बनाई गई है। और ये भाई साहब जो है, ये आप कितने बंदे काम करते हो यहाँ पे? यहाँ पे हम चार आदमी काम करते हैं निराचारी पर। निराचारी पे चार बंदे हो? अच्छा, वो चार बंदे मतलब जो है यहाँ पे सारा कुछ संभाल लेते हो आप? हाँ, ते दो अलग हैं सफाई पर, दो सफाई पे अलग हैं जी। और बाकी जो एक दो बंदे वो भी होंगे जो गांव से मतलब इकट्ठा करते हैं? हाँ, आने वाले, हाँ इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो ये चार बंदे ये हैं संभालने वाले अंदर, दो सफाई वाले हैं और बाकी जो भाई हैं दो तीन और हैं। और ये क्या चीज है, ये किस लिए होता है? ये गाय को दवाई दूध देने के लिए होता है। भी गाय लात लूटना हमारे ही लेना। जैसे ये गाय है, इसको पट्टी पुट्टी करते हैं, इसको अंदर करके। ये देखो गाय के बहुत सारी बेचारी की चोट भी लगी हुई है, तो इसकी पट्टी पुट्टी यहीं पे की जाती है और बहुत देख रेख यहाँ पे जो है की जाती है। और इसको देखो जो बीमार गाय है उसके लिए स्पेशल जो चारा इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से। और ये क्या बने हुए हैं जो ब्लैक ब्लैक लगे, ये कमरे हैं क्या अंदर सर्दियों के लिए? कमरे हैं ये दरवाजे बंद करे ठंड के लिए। अच्छा, देखो पशुओं को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पे जो अंदर इतने बड़े बड़े हाल, मैं कैमरामैन भाई को बोलूंगा कि साइड आके दिखा दे। ये देखो इतने बड़े बड़े हाल जो यहाँ पे, कम से कम 5-6 हाल यहाँ पे बनाए गए हैं कि पशुओं को ठंड से बचाया जा सके। और पशु जो है अंदर यहाँ पे अपने आप आ जाते हैं क्या? अपने आप आते हैं। देखो पशु समझदार होते हैं और जो है टाइम के हिसाब से जब उनको ठंड लगती है तो अंदर चले जाते हैं और जब ठंड नहीं लगती तो बाहर अपने आप। ये देखो अभी धूप में आ रखे हैं, थोड़ी धूप निकली आज तो ये यहाँ पे धूप में खड़े हैं। और यहाँ पे भी चरने का सिस्टम बनाया गया? हाँ, यहाँ पे भी चरने का सिस्टम बनाया। और पानी का भी बनाया गया? पानी का भी है, उधर भी बना, दोनों पास बना है पानी का। अच्छा, ये देखो दोनों साइड यहाँ पे भी चरने का बनाया गया है। और गर्मियों में अगर पशु चरे तो उनको धूप ना लगे, ऊपर छत भी दी गई है और दोनों साइड जो है पानी का बनाया गया है। और पानी की सफाई बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और पशुओं के नीचे भी बिल्कुल भी कोई गोबर काबर नहीं है, यहाँ पे पूरी सफाई रखते हैं ये भाई जो है। और गौशाला का मैनेजमेंट जो होता है सबसे ज्यादा एक तो वर्कर पे होता है, जो वर्कर होते हैं यहाँ पे रहते हैं वो पूरा सफाई। देखो यहाँ पे आप जाम पे हम घूम रहे हैं, इतने पशु होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ज्यादा सफाई है। और ये ट्रॉली किस लिए है, छोटी ट्रॉली? ये ट्रॉली है मरीज डंगरों को लेने के लिए। अच्छा, जो मतलब डंगर बीमार होते हैं, अगर आपको कोई फोन कर दे तो आप उसको वहां से लेके इस ट्रॉली पे आ जाते हो? ट्रॉली पे लेके आते हैं। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो ये ट्रॉली उनके लिए बनाई गई है, ये ट्रॉली जाती है और अपने आप पशु को उठा के और ले आती है। और बाकी मशीनें भी आपको दिखाएंगे कि इस गौशाला में क्या क्या मशीनें हैं जो सभी यहाँ के जो गांववासी हैं और नज़दीक के जितने भी गांव हैं उन्होंने सभी ने सपोर्ट किया है, क्योंकि गौशाला सभी की जो होती है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। और ये मशीन किस लिए है? ये हरा काटने के लिए मशीन है। चारा काटने के लिए एक ही मशीन है या और भी है? एक वो रही। अच्छा, एक वो अंदर है, मेरा कैमरामैन भाई आपको दिखा रहा है, एक अंदर मशीन लगी हुई है बड़ी और एक ये जो है छोटी है। इसका क्या काम होता है, ये मतलब ज्यादा काटती है क्या? ये ज्यादा काटती है, इसका ट्रैक्टर से कटता है ये। अच्छा, इस पे जो ट्रैक्टर का पीटीओ लगाया जाता है और ये ट्रैक्टर से जो है चारा जल्दी निकाल देती है, अगर ज्यादा चारा हो तो इसको भी लगा लिया जाता है, इससे कटाया ज्यादा ही। अच्छा, ज्यादा इससे कटाया जाता है, ठीक है। और अब आ जाओ, आपको अंदर एक तूड़ी का स्टोर दिखा दो भाई साहब। हाँ, वो भी दिखाते हैं, तूड़ी का स्टोर दिखा दो आप, मशीनें भी दिखाएंगे आपको साथ साथ। और ये ट्राली गौशाला की है क्या? नहीं, अच्छा ये गौशाला की नहीं, ये किसी भाई ने, यहाँ पे कोई काम होता है तो यहाँ पे गांव वाला कोई भी मना नहीं करता। और गौशाला को जो है कोई चीज के लिए किसी गांव का जो भी है, जिसके पास जो भी सामान होता है वो कभी मना नहीं करता, जिसको चाहिए वो यहाँ पे गौशाला में जो भी काम होता है अपने आप लेके आ जाते हैं। तो ये हाल दिखाएगा मेरा कैमरामैन भाई, इतना बड़ा कम से कम 2 किले लंबा, 2 एकड़ मतलब लंबा ये हाल बना हुआ है, इसमें तूड़ी भरी हुई है जो आपको दूर से दिखाई नहीं देगी, मैं पास में जब जाऊंगा तो दिखाऊंगा। और एक वो जो टिप्पर बना हुआ है, मैं तूड़ी भी दिखाऊंगा आपको,
यहाँ पे जो इस बार तुड़ी तो कमी नहीं लग रही, तुड़ी अब के कम है। अच्छा, तुड़ी कम आई है। हाँ जी। तो सभी भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों के ज्यादा अगर अब की बार तुड़ी यहाँ पे क्या है गौशाला में तुड़ी की कमी है थोड़ी बहुत है, तो सभी भाई सहयोग करें, और जिनके घर पे भी कोई ज्यादा तुड़ी है या एक्स्ट्रा है तो गौशाला में जो है आप दान कर सकते हो। तो गौशाला जो है सबकी होती है, और गौ माता जो है तुड़ी के बिना और चारे के बिना तो आपको पता ही नहीं रह सकती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला को जो है सपोर्ट किया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और ये ट्राली किस लिए है? ये का है, दान मांगने के लिए जाते हैं। अच्छा, दान जब गांव में जब ये फेरी लगाते हैं तो ये गुड़का लेके जाते हैं जिसमें लोग गुड़ या रोटी या कुछ भी रोटी वगैरह वगैरह सब देते हैं, हरा हरा। अच्छा, हरा हरा सब दे देते हैं। दो गाड़ी गई हुई है अभी। और ये रोज जाता है क्या? यहाँ रोज जाता है। रोज जाता है, और कितने मतलब गाड़ियां है इसपे? तीन गाड़ी है। तीन गाड़ियां इन्होंने गौशाला में, जो मैनेजमेंट कमेटी है गौशाला की, तीन गाड़ियां ऐसी बना रखी है जो अलग अलग गांव में अलग अलग दिन जाती है, और हफ्ते में जैसे ये रोज का कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सभी जो गांव हैं वो गौशाला के प्रति बहुत ही मतलब जागरूक हैं, और सभी जो दान भाई जो है देते हैं इस गौशाला में, और सभी के सहयोग से जो है ये गौशाला चलती है। और वो देखो, अब मैं तुड़ी के पास आ गया हूँ, आपको तुड़ी दिखाई दे रही होगी। ये देखो तुड़ी बहुत ही कम है, हो सकता है कि पूरी आ जाए, लेकिन हो सकता है कम भी पड़ जाए। तो अब की बार हुआ है ऐसा कि तुड़ी थोड़ी सी कम आई है, लेकिन बाकी कभी भी तुड़ी की कमी नहीं रहती। और चारे की भी, जो चारे की कमी तो होगी यहाँ पे, चारे की कमी बहुत है, चारे की कमी। ये भाई बता रहे हैं कि देखो चारे की कमी है, तो मैनेजमेंट कमेटी भी अगर चाहे ना तो चारे की कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पशु यहाँ पे बहुत ज्यादा है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो सभी भाइयों के सहयोग से यह सब होता है। तो मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भाई इस गौशाला में जो है पशुओं को चारा जो है पहुंचा सकते हैं आप, और पुण्य के जो भागी आप भी बन सकते हैं। तो ये भाई साहब, ये मशीन किस लिए है? अभी आपको एक मशीन दिखाऊंगा जो आपने नहीं देखी होगी शायद, किसान भाइयों ने देखी, लेकिन ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गौशाला के अंदर का जो है कभी आए नहीं है और उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये मशीन किस लिए है भाई साहब? जो पशु बेस पर पड़ जाता है उसे खड़ा करने के लिए है। अच्छा, जो पशु मतलब पैरों से रह जाता है और खड़ा नहीं हो पाता, अक्सर ये बीमारी जो है ठंड के दिनों में आ जाती है, और उसको खड़ा करने के लिए जो मशीन बनाई गई है। ये जो आप बेल्ट देख रहे हो, इन बेल्टों को पशु के अंदर मतलब ऐसे नीचे करके और पशु को पेटी बांध दी जाती है, और फिर इसको ऐसे घुमाने से ये जो है पशु को ऊपर उठा लेता है और पशु जो है खड़ा हो जाता है। और ऐसा क्योंकि यहाँ पे गौशाला है, बहुत सारी पशु है जो यहाँ पे कभी ना कभी एक आधे पशु को दिक्कत हो जाती है या गांव में हो जाए तो वो ये मशीन ले जाते हैं, या किसी भी बाइक हो जाए यहाँ से ले जाते हैं ना मशीन। हाँ, दे देते हैं सभी को। हाँ, तो ये सभी को मशीन दे देते हैं। देखो जो गौशाला की कमेटी है बहुत ही बढ़िया सिस्टम से यहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रही है। और ये इमरजेंसी यहाँ पे फिर इमरजेंसी बनी हुई है। हाँ, वो छोटी है, ये बड़ी बना रखी है। ये देखो यहाँ पे बड़ी इमरजेंसी जो बनाई है, क्योंकि बीमार पशु होते हैं उनको यहाँ पे इस इमरजेंसी में रखा जाता है। और ये देखो मेट वगैरह भी, और ये आप देखोगे तो मेडिसिन वगैरह यहाँ पे जो पशुओं की है रखी हुई है। तो इमरजेंसी में पंखे भी सब कुछ, सारी व्यवस्था यहाँ पे जो टोटल है भाई साहब आपने कर रखी है, मतलब जितने भी बंदे हैं इस गौशाला से जुड़े हैं उन्होंने कर रखी है। तो आ जाओ भाई साहब। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है गौशाला में? आप यहाँ पे रहते हो, आपको कोई दिक्कत हो इस गौशाला में? सबसे ज़्यादा तो दिक्कत तो तुड़ी की आती है, जब आते हैं तो जाने की पैसा टका तो कम आता है। अच्छा, जाने की ये इसकी खाद गोबर गाबर निकालते हैं उससे बेच के ही गुजारा होता है। अच्छा, जो गोबर है पशुओं का गोबर है वो खाद आप जैसे हर साल सेल करते हो? हाँ जी। तो उससे जो है आप तुड़ी खरीदते हो? हाँ जी। खरीदनी पड़ती है तुड़ी? खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जो मुलाजिम लगे हैं उनकी भी तनख्वाह इससे ही निकलती है। देखो जो यहाँ पे वर्कर लगे हैं, कम से कम आप मानो इतनी बड़ी गौशाला को मैनेज करने के लिए 8 से 10 वर्कर तो यहाँ पे जो काम करते होंगे, और उनकी जो सैलरी अगर आप लगाओ तो उनको अगर हिसाब से भी सैलरी दी जाए तो यहाँ के जो खाद के गोबर से जो है वो सैलरी में चला जाता है, और बाकी जो है पशुओं के लिए रह जाता है। और अभी आपको अंदर लेके चलते हैं, इस साइड भी जो है हमारा गौशाला का जो है बाड़ा बना हुआ है, और आप देखोगे ये गौशाला जो है बहुत लंबी चौड़ी है। इतनी बड़ी गौशाला हमारे गांव में, गांव बोधी वाला पिथा में जो है बनी हुई है। और ये देखो यहाँ पे जो पशु है, गौ माता जो यहाँ पे खड़ी हुई है, और मैं पूछूंगा भाई साहब से भी ये गाय जो है किस तरह की गाय है और इनको यहाँ पे अलग कैसे मतलब रखा गया। अच्छा, जो दूध नहीं देती और जो मतलब दूध के लायक अभी है नहीं, उनको अलग से रखा जाता है? अलग से रखा जाता है। अच्छा,
तो जो बिना दूध वाली गाय है वो है, मतलब जो अलग है अभी, जो बिना दूध की हो। हाँ, इसी में है। इसी में है। हाँ जी। और इनको भी चारा चूरा पूरा दिया जाता। हाँ, है पूरा दिया जाता। और जब ये तैयार हो जाए तो उनमें से जो जो गाय मतलब दूध के लायक होगी। हाँ, उसे निकाल लेते हैं, बाहर ले जाते हैं। अच्छा, उसे निकाल लेते हैं तो बाहर ले जाते हैं। ये देखो इन्होंने कैटेगरी बनाई है और इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है। देखो अगर सभी पशु एक जगह पे हो तो दूसरे पशु भी जो खराब हो जाते हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है सिस्टम बनाया हुआ है। और ये जो गौशाला है ये बोदीवाला के अंदर बनी हुई है सदराणा रोड पे। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है और अगर गौशाला में अपना सहयोग देना चाहे तो वो जो सहयोग है दे सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं इन भाइयों की सैलरी की। तो भाई साहब आपको सैलरी जो है वो पूरी मिलती है यहाँ पे? हाँ जी, पूरी मिलती है। पूरी मिलती है। और सर्दी में आपको कितने बजे यहाँ पे उठना पड़ता है? 7 बजे आ जाते हैं सभी सुबह। हाँ जी, 7 बजे आके पशुओं को चारा निरा करके और शाम को जो फिर वापस, शाम को तो 8 बज जाते हैं। देखो सुबह शाम के 7 बजे से लेके और 8 बजे तक है इनको जो है मतलब काम करना पड़ता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी से कि अगर कमेटी इन भाइयों की देखरेख रखेगी तो ये गौशाला का जो है अच्छे से ध्यान रखते हैं। और सारी गौशाला इन पे ही टिकी हुई है वैसे, और बाकी तो सभी भाइयों पे है क्योंकि वो जो भाई यहाँ पे दान करते हैं उनके दान से ही यहाँ पे जो गौ माता है अच्छे से चर पाती है। और इन हमारे गाँव की गौशाला में बहुत सारे लोगों का सहयोग है और सभी जो एरिया के जितने भी हमारे फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के गाँव हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पे सेवा देने लिए आते हैं। तो मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करता हूं भी वो जल्दी से जल्दी चारे की समस्या का भी हल करेंगे। और यहां पे पशुओं को चारे की कमी है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पे पशुओं का चारा जो है आप जल्दी से जल्दी यहां पे जितना भी हो, जिसके पास जितना भी हो वो यहां पे दान करें ताकि पशुओं को जो हो चारा पूरा उसके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।